नमस्कार, जनसत्ता न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना के दस्तक के बाद हालात कैसे बने ये तो आप सबके सामने है। लॉकडाउन के बाद रेलवे के 166 साल इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो हो गया, जिसका सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा। हालांकि रेल मंत्रालय ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आंकड़ा जारी कर दिया है। रेलवे की आगे क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पच्चीस मार्च जिस दिन पीएम मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया, उस वक्त देश में कोरोना के मामले 600 के पार थे। कोशिश थी कि संक्रमण को रोका जा सके, पर देखते ही देखते आंकड़े 1.25 लाख के पार कर गए और 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन और ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता गया, रियायतें मिलती रहीं। कोरोना काल में कई लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन देश में कई राज्यों में काम कर रहे मजदूरों के पलायन भी नहीं थमे। मजदूरों के जमावड़े को देखते हुए सरकार को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी। शनिवार को रेल मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने कितने मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। रेल मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा, 45 लाख प्रवासी मजदूर ट्रेनों में कर चुके हैं सफर। 80% मजदूर यूपी बिहार के थे। रेलवे ने अपने वर्कशॉप में पीपीई मास्क सैनिटाइजर्स बनाया। अगले 10 दिनों में कितनी ट्रेनें चलेंगी? अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलेंगी। इनमें 36 लाख लोग सफर करेंगे। किन राज्यों के बीच चलेंगी ये ट्रेनें? आंध्र से असम, दिल्ली से गुजरात, गोवा से जम्मू कश्मीर, गुजरात से कर्नाटक, हरियाणा से झारखंड, जम्मू कश्मीर से केरल, कर्नाटक से मणिपुर, केरल से उड़ीसा, मध्य प्रदेश से राजस्थान, महाराष्ट्र से उत्तराखंड, पंजाब से उत्तराखंड, राजस्थान से त्रिपुरा, तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना से पश्चिम बंगाल के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। हालांकि रेलवे मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो चला रही है, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते कई लोग परेशान हैं और ऐसे में रेल मंत्रालय की नई पहल तमाम लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।